मार्केट वाली कड़क, ये देखें इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यूनिक कुकिंग। मैं हूँ शेफ अल्ताफ। आज हम आपके लिए एक और कमर्शियल रेसिपी ला रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं गज्जक, चने की दाल की गज्जक। पहले चने की दाल बनाई जाती है, उसकी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, दाल नीम को, चने दाल की नीम को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उसमें तरीकाकार क्या है कि किस तरीके से हम दाल को रेडी करते हैं निमको के लिए। वैसे आपने दाल रेडी कर लेनी है और उसके आगे का प्रोसीजर जो है मैं आपके साथ शेयर कर, कैसे गज्जक बनाई जाती है और क्या तरीकाकार है। और उससे पहले रिक्वेस्ट मेरे और अपने चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। वहाँ पे भी अच्छी अच्छी मैं पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए चने की दाल। ये जो चने की दाल है हमने रेडी कर ली है, इसको तैयार कर लिया है। इसका तैयार करने का तरीका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस वीडियो में जाके प्रोसीजर आप दे सकते हैं। आपने नीम को नहीं बनानी, यानी कि ये दाल आपने तैयार करनी है। इसमें खाली हमने इसको दाल को रेडी किया हुआ। अगर मैं ऐसे आप लफ सीधे लफ्ज़ों में आपको बताऊं, तो हमने इनको भिगो के रखा था सोडा लगा के रात को। एक रात भीगने के बाद सुबह इसका पानी खुश करने के बाद फिर हमने सिंपल इसको तेल में डाल के फ्राई करके रखा है। तो ये जो है बहुत क्रिस्पी है, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं और खा भी सकते हैं। और ये जो दाल का वेट है हमने लिया हुआ यहाँ पर 250 ग्राम। कच्ची दाल को हमने 250 ग्राम लिया, उसको भिगो के रखा, फिर तैयार करके रखा, यानी कि कच्ची का वज़न था 250 ग्राम। और उसके बाद हमारी बनी है ये। हमारा एक पैन गरम है, उसमें आपने डालना है गुड़। गज्जक जो हमेशा बनाई जाती है गुड़ की ही बनाई जाती है, चीनी की नहीं तैयार होती। और ये हमारे पास यहाँ पे था 150 ग्राम, हमने इसको कूट के डाला है। ये देखें इस तरीके से नरम है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा 50 ग्राम के करीब पानी, फिर हम इसको मेल्ट करेंगे और इसकी चाशनी तैयार करेंगे। आपने जब पानी होगा तो ये इस तरीके से पकेगी, उसको पकने देना है, नो प्रॉब्लम। ये और गाढ़ी हो जाएगी मज़ीद थोड़ी देर में जाकर। तो हमारा ये देखें पानी जो है खुश्क हो रहा है, तो और जो कम होती जा रही है झाग भी और गाढ़ी होती जा रही है। अभी मज़ीद थोड़ी देर और पकाएंगे, एक दो मिनट। जब हमारी इतनी गाढ़ी हो जाए, ये देखें इस तरीके से, फिर दोबारा झाग बनना शुरू हो गई है, तो मतलब ये हमारी जो गाढ़ी हो चुकी है, ये देखें इस तरीके से आपको लग रहा होगा जैसे जेली हो रही है। तो इस कंडीशन में आके आपने इसमें शामिल कर देना है यहाँ पर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सोडा डालने के बाद आपने फिर इसको हिलाना है और चूल्हा जो है आपने ऑफ़ कर देना है, दोबारा इसको पकाना नहीं है। अच्छे तरीके से आपने इसको हिलाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि एक जान हो जाए, हमारी कलर एक सा हो जाए, जो रेड है वो वाइट हो जाए। ये देखें इस तरीके से चूल्हा ऑफ है हमारा, हमने चूल्हे को जो है ऑफ़ कर दिया था। अभी मज़ीद आपने ऑन नहीं करना और इसको हिलाते जाना है। ये प्रोसीजर जो है थोड़ा स्पीड का है, स्लोली नहीं है, आपने स्लो नहीं करना है इसको। अच्छे तरीके से ये देखें वाइट क्रीमी हो गई जब, तो फिर हमने शामिल कर देनी है हमारी दाल चने की। और फिर आपने इसको करना है मिक्स। मिक्स करने का तरीका अच्छे तरीके से आप इसको ऐसे हिलाते जाएं, ये देखें इस तरीके से, ये क्या बात है, ज़बरदस्त। एक जान करना है आपने, आपकी जो है गज्जक वो सारे यकजान जो दाल है हल हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए ये इस तरीके से डालने के बाद, अगर आपको लगे कि हमारी दाल जो है सख्त हो गई है और शुगर जो है ज़्यादा क्रिस्टल हो गया है, मतलब सख्त हो गई है, तो आप थोड़ा सा चूल्हा जो है उसको थोड़ा सा ऑन कर दें, ताकि आपकी ये जो हीट बरकरार रहे और सॉफ्ट रहे। तो हम बर्तन तैयार कर लेते हैं जिसमें डालेंगे। हमने एक थाल लिया है जिसके अंदर ग्रीस करके ऑयल लगा दिया है, घी लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है। तो अब इसके अंदर ही डालेंगे हम, यहाँ पे सारी शामिल कर देंगे। उसके साथ आपने फिर करना क्या है,
इसको फैलाना है, गर्म है तो ये देखें इस तरीके से चिपकेगी, इसका तरीकाकार ये नहीं है। आपने दूसरे चम्मच के ऊपर घी या ऑयल लगा लेना है ग्रीस करने के बाद इस तरीके से, और इसको प्रेस करें ऐसे, ये देखें चिपकेगा नहीं इसके ऊपर। किसी और स्पून से, किसी और चम्मच से ऐसे इसको फैला लें। इस तरीके से गरम गरम को आपने करना है, ठंडा हो गया तो फिर जो मसाला ख़राब हो जाएगा। और ये देखें अभी भी सॉफ्ट है, तो अभी आपने क्या करना है, अगला प्रोसीजर जो है फ़ौरन ही, यहाँ पे हमने पीसेस काटने हैं, इसकी टुकड़ियाँ बनानी है जितनी आप बनाना चाहते हैं जिस तरीके से। फिर उसके बाद छोटे साइज में आपने काटनी है। ये हमारे पीसेस हो गए इस तरीके से, ये देखें। तो अभी मज़ीद इसको हम और ठंडा होने देंगे ताकि कड़क हो जाए, क्योंकि अभी हम निकालेंगे तो ये नरम होगी। ये देखें इस तरीके से ये फोल्ड हो रही है, तो ये नरम है, तो इसको हम छोड़ देंगे जब तक हमारी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। हमारी गज्जक रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो गई है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखें इस तरीके से। ये तो ये देखें किस तरीके से हमारी क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनी है। ये मैं यहाँ पे आपको शेप दिखा दूँ इसकी, ये देखें किस तरीके से हमने टुकड़ियाँ काटी हैं, बैक साइड ये फ्रंट की, ये देखें आप, आपको लग रहा है वाकई मार्केट वाली है, बिल्कुल मार्केट वाली है। तो ये देखें ये बिल्कुल कड़क बनी हुई है, आप ये देखें इस तरीके से है आज की गज्जक तैयार हो चुकी है टेस्ट में। अगर आवाज़ आए जैसे मैं खा रहा हूँ तो आपने समझना है कि हमारी जो गज्जक है वो परफेक्ट बनी है। क्रिस्पी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखें इस तरीके से क्रिस्पी बना है, इसमें बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको पसंद है तो लाइक तो बनता है ना। एक आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।